ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की कवर स्टोरी में कुछ खास। कोरोना महामारी से लड़ने के दावे प्रशासन और सरकारें जो कर रही हैं, उनका सबूत दे रहे हैं यह 11 लोग। जिला गुरदासपुर के बटाला के ईसा नगर के एक ही इलाके के 11 लोग, जिनका 2 दिन पहले टेस्ट होता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज उनको सुबह अस्पताल में ले जाया जाता है मेडिकल टीम के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन बाद में अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज खुद चलकर घर वापस आते हैं और साथ में 2-2 टैबलेट जो कि अस्पताल की तरफ से डॉक्टर द्वारा उनको दी गई है। साथ में उनकी स्लिप पर लिखा गया है कि 14 दिन के लिए आप घर पर ही रहो। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने बताया कि हमें किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप 14 दिन तक घर पर रहो, हम खुद चलकर घर वापस पहुंचे हैं। और उसके बाद अस्पताल से एक कर्मचारी आता है जो हमारे मोहल्ले में बोलकर जाता है कि जो 11 लोग वापस आए हैं वो अपने घर से बाहर न निकले। वहीं जानकारी देते हुए इलाके के लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले हमारे इलाके में सैंपलिंग होती है और आज 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उसके बाद आज सुबह अस्पताल के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है और शाम को कोरोना मरीज खुद पैदल चलकर घर वापस आते हैं। हमारे इलाके के लोग गरीब और अनपढ़ हैं और यह पास इलाका है। क्या इस तरह प्रशासन कोरोना को बढ़ावा दे रहा है? अगर इन लोगों को घर पर ही एकत्ववास करना था तो इन लोगों को खुद छोड़कर जाना था और साथ में इलाके के सभी को बताकर जाना था कि इन लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। उन लोगों को भी घर से बाहर न निकलने के लिए हिदायत देकर जानी थी, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इन लोगों को ना तो समझाया गया और ना ही इलाके में किसी को कहा गया। इसके वापस आने के बाद अस्पताल में कोई कर्मचारी आता है और इनको घर से बाहर न निकलने के लिए हिदायत देकर चला जाता है। क्या प्रशासनिक अधिकारी कोरोना से इस तरह जंग जीतेंगे? प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। पहला थे जो 2-3 दिन हो थे, पहले इन्होंने टेस्ट ले रहे थे, टेस्ट ला के थे, आज रिपोर्ट आई है, कहते जी 11 बंदे की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आई है। तो 11 बंद ने इतों लैके गए हैं, जिन्हें भी जाके इन्होंने ना कोई गल कही है ना कोई बात कही है। अगर वो बेचारे अनपढ़ जे है ना, उन्होंने कोई क्या हो गया तुम 14 दिन अंदर में ही रहना, ना ही गल ना बात। उतों जाके इन्होंने 2-3 दिन गोलियां दे कर वापस भेज देंगे, तुम चल जाओ घर। उतों बेचारे पैदल ही आए हैं, धुप धुप चढ़ी में गए हैं, धुप सर्दी में जी वापस उतों पैदल आए, ना कोई उतों हेल्थ की टीम आई इन्होंने कोई, ना ही उतों डॉक्टर आया कोई, ना ही तो कोई होर कोई आया इन्होंने नाल। आपे बेचारे गए ने, आपे उतों तुरद आपे वापस आ गए हैं। हूँ बाद इन्होंने आकर कोई घर आके कह दे ने जी तुम 14 दिन वास्ते उन्होंने कहा अंदर में ही तुम रहो, तो हूँ 14 दिन वास्ते अंदर में हूँ कह दे आकर। तो पहला इन्होंने सुते हैं, पहला कदम आज रिपोर्टा इन्होंने गलत हो गई, कदम कोई गल कर दें इतने के इलाके की गल की। इलाके की कि आबादी है? इलाके की आबादी 1500 लोग रहन दे, मेरा 2000 लोग रहन दे। किस तरह की आबादी है, किदा के लोग ने? सारे दिहाड़ी तप्पे वाले मजदूर लोग ने, बहुत माड़े थे दिहाड़ी तप्पे वाले ने, कोई एदा साहूकार कोई बंदा नहीं रहन दिया जी। सर मैं कहना चाहती जी छड़ के मतलब कि आ गए घर, उत्थे क्यों नहीं इन्होंने बोलिया कि तुसी अपने घर 14 दिन रहो? बाद च भेज रहे हैं बंदे नू कि तुसी अपने घर में 14 दिन रहना, क्यों पहले जो उत्थे बिठाया गया उदों क्यों नहीं बोले? वो तो बोलना चाहिए कि अपने घर च रहना, बाहर नहीं निकलना भी, क्योंकि सारे महल्ले से ना फैले। तुम इस नहीं कह रहे कि लोग जोड़े काम करने जा रहे जोड़े सही ने, तुम तो वो काम कर रहे कि लोगों जो माड़ी मोटी रोटी खा रहे ने वो बंद करवा रहे हो, तो जो आप तो दे नहीं रहे हो जो दूसरा नहीं कद नहीं बंद कर रहे। मैं यही गल कर लैके गए तो पैदल तुर के आए, जबकि उन्होंने घर कभी बुखार तक खांसी तक कभी आया नहीं, तो हम कुछ कितने निकल आए हैं।